नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे नए खतरे के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की आंखें चीन की ओर मोड़ दी हैं। अगर मैं कहूं कि कुछ घंटों पहले तक सिर्फ एक देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो रडार को चकमा देकर उड़ान भर सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, बात हो रही है स्टेल्थ फाइटर जेट्स की। पहले तक ये शक्ति सिर्फ अमेरिका के पास थी, लेकिन अब चीन ने अपना J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट लॉन्च कर दुनिया को चौंका दिया है। अब सोचिए, ये वही चीन है जो हमारे पड़ोस में बैठा है, और उस पर भी हमारा प्यारा दोस्त पाकिस्तान इस जेट को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान बना रहा है। अब ऐसे ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने हैं तो नीचे के लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और हाँ, घंटी दबाना न भूलें, वरना जब अगली बार चीन का नया धमाका होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, चीन का ये नया स्टेल्थ फाइटर J-35A अब चर्चा का विषय बन गया है। ये वही फाइटर है जिसे चीन ने अपने बड़े एयर शो में दिखाया और अपने दोस्तों के सामने अपना कंधा थपथपाने का एक नया मौका बनाया। अब रूस, ईरान और पता नहीं कौन कौन देख रहे थे कि आखिर इस जेट में ऐसा क्या खास है। और चीन के इस कदम के बाद अमेरिका के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो खुद को अब तक स्टेल्थ जेट्स का इकलौता बादशाह समझता था। लेकिन अब असली बात यह है कि इस J-35A के आने से हमारे देश को कितनी टेंशन होने वाली है। आप सोच रहे होंगे, अरे यार, ऐसा क्या खास है इस जेट में? आखिर ये जेट एकदम नया है, तो इसे चलाने में तो टाइम लगेगा, है ना? लेकिन दोस्तों, ये उतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। देखो, ये जो नया जेट है ना, ये कोई आम प्लेन नहीं है जो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकेगा। ये वो प्लेन है जो रडार को चकमा देकर सीधे आपके सिर पर आ धमकेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या। अब सोचिए, चीन तो इस जेट को अपनी एयरफोर्स में डाल ही रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान को भी ये जेट मिलेगा। अब पाकिस्तान के लिए ये तो वैसे भी जैसे किसी गरीब को मर्सिडीज मिल जाए। बेचारे अपने घर के बर्तन बेचकर लोन लेकर पैसे जुटा रहे हैं ताकि चीन से ये फाइटर खरीद सकें। अब आप कहेंगे, अरे भाई, इससे हमें क्या टेंशन? टेंशन ये है कि चीन और पाकिस्तान दोनों के पास स्टेल्थ फाइटर होंगे, और हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं जो इनकी बराबरी कर सके। अब सोचिए, हमारे ये दोनों पड़ोसी एक दिन इन जेट्स के साथ पिकनिक पर निकल आएं तो क्या हाल होगा। अब बात करते हैं इस जेट की ताकत के बारे में। चीन का J-35A कोई मामूली फाइटर नहीं है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये रडार पर नहीं दिखता और बड़ी ही चालाकी से दुश्मन के इलाके में घुस सकता है। आपको याद होगा, हाल ही में इजराइल ने अपने F-35 जेट्स के साथ ईरान में जो किया था। इजराइल ने F-35 का इस्तेमाल करके ईरान में S-300 डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। ये वही S-300 डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस ने बड़े दावे के साथ बेचा था, लेकिन इजराइल ने उसे यूं साफ कर दिया जैसे गधे के सिर से सिंग। अब जरा सोचिए, ईरान के पास इतना महंगा S-300 था और फिर भी वो F-35 के सामने टिक नहीं पाया। और जब हमारे पड़ोसियों के पास चीन का J-35A होगा तो हमें कितनी बड़ी टेंशन होगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर चीन अपने इस नए जेट से हमारे एयर स्पेस में घुस जाए तो क्या होगा? वैसे हम भारतीय हैं, हम सोचते हैं अरे कुछ नहीं होगा, हमारी किस्मत हमेशा मजबूत है। लेकिन दोस्तों, हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, खासकर जब चीन जैसा देश हमारे बगल में है और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से वो हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। अब असली सवाल यह है कि भारत इस चुनौती का जवाब कैसे देगा। हमारे पास फिलहाल कोई भी स्टेल्थ जेट नहीं है। हम सोच रहे हैं कि या तो अमेरिका से F-35 खरीदें या फिर रूस से कोई नया जेट लाएं। लेकिन यहां भी दिक्कत है, ये सभी बहुत महंगे हैं। अगर हम रूस से S-400 खरीदने का सोच रहे थे, जो पहले ही यूक्रेन में इतनी खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अब हमें और नए विकल्पों की तलाश करनी होगी। और बात सिर्फ स्टेल्थ फाइटर की नहीं है, हमें इनसे लड़ने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की भी जरूरत है। अगर ये जेट हमारे देश के अंदर घुस आए तो हमें पहले से पता चल सके कि खतरा आ रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर अपनी ताकत दिखा सकते हैं, और तब हमें किसी भी हाल में तैयार रहना होगा। अब देखो, हम भारतीय हैं, हम कहते हैं कि हमारी सरकार इस बारे में सोचेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे यहां तो मुसीबत सिर पर आ जाए तभी कुछ करने की सोचते हैं। जब तक स्थिति खराब नहीं होती, हम आराम से बैठकर चाय पीते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी एक आध स्टेल्थ फाइटर ले लेना चाहिए, ताकि कल को जरूरत पड़े तो कम से कम हमारे पास कुछ तो हो? अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस पर कदम उठाएगी? इस पर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, चाहे हम खुद से ऐसा विमान बनाएं या फिर किसी देश से खरीदें।
लेकिन यह बात हैरानी की है कि अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा तो लाइक जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारी लाते रहें। और अंत में घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक और सवाल छोड़कर जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो आप इस खतरे से कैसे निपटते? जवाब कमेंट में बताइए, हमें आपका जवाब पढ़ने का इंतजार रहेगा। आपका साथ और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलकर दुनिया की सभी बड़ी खबरों पर नजर बनाए रखिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ।